ऐसा ही है, ऐसा सुनने में आया था कि झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है साबिन भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, क्या कर रहे हैं, खुश रहे हैं, बात रहे हैं, हंस से मजाक हैं, थोड़ा फिर खराब। तो हमारे चैनल कह सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट, तो रहना हमारे साथ साथ, फिर एक्सपेक्ट करनी हमारे साथ जुड़ रहना है। तो आज का व्लॉग जबरदस्त होने वाला है, ठीक है, फिर फुल वॉच करनी है हमकी वीडियो, तो फुल वॉच करनी है। ये जी देखिए सलामुद्दीन, सलामुद्दीन क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ, गाड़ी कहाँ से ली है, कहाँ से ली है, धान की है। यहाँ पे देखिए जी नूर मोहम्मद, नूर क्या हाल है, क्या कर रहे हो, किसके साथ, किसके साथ, बोतल के साथ। अच्छा आपको गाना आता है, कौन सा, सुना दे। यो आप खेलो, ठीक हो गया। ये जी सानू देखिए क्या कर रहे हो, सानू क्या, टमाटर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाफोज पाइंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद। टमाटर खा रहे हो, आ जुलो 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 जुलो। अम्मी से पैसे लिया है तो मैं जा रहा हूँ मिसाले और लालू और मुर्गी लेने, तो मुर्गी लेंगे तो मिसाले भी लेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक हो गया, रहना हमारे साथ साथ। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक, कहाँ गया था, दुकान पर, दुकान पर क्या लेना है, मिसाला लेना है। अब कहाँ जा रहे हो, घर, घर जा रहे हो, क्या पका रहे हो, क्या पका रहे हो, दाल, कौन सी, चने वाली, चने वाली। मैं जा रहा हूँ और मुर्गी लेने और मसाले चला लेने, मेहमान है वो, कौन से, मोहसिन, मोहसिन सईद व्लॉग्स, वो वाले, हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जाए, मैं अब जाता हूँ। मसीम आ चुका था तो किसी औलाद ने, अल्लाह ताला औलाद दे, तो बीमार है, अल्लाह ताला शिफा दे। तो जो भी हमारे वीडियो देखता है बहुत अच्छी लगती है, शेयर भी किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। जी मसाला ले आया हूँ, तो अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के नाम, ठीक ठाक, तबीयत शबीयत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी किए हैं, वह किला मुर्गी 440 रुपये, सारे मुर्गी बनाना ना मुझे, ठीक हो गया, ओके। जैन खान आ चुका है, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, मुर्गी किए हैं साहब, मुर्गी 440 रुपये, माशाल्लाह, एक किलो दे दो। कि मैं मसाला आलू और गोश्त ले लिया, तब चलते हैं, तो अम्मी को देखते हैं। बहुत अच्छी आज वीडियो बना रहा हूँ, तो फुल वॉच करनी है, तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी, तो शेयर भी ज़रूर करना है। तो हर वीडियो में कहता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और VSR करवा दें, फिर हम पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। मैं के पहुँच चुका हूँ, तो अम्मी ये देखिए टमाटर खा रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हमारी शाम की रूटीन हो गई है शुरू, तो ये टमाटर वगैरह घर पड़े थे, मैंने सोचा ये मैं काट लूँ, तो और सामान जो है वो लेने गया था मेरा बेटा, तो अभी जो है लेके आया है, तो जैसे जैसे काम स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। मैं लेके आया हूँ, तुम डॉलर ने सब्जी उठा के वो वाला शापर उठा के ले गया अंदर, वो कहते हैं फ्रिज में रखनी है। हाँ जी, तो ये रही है हमारी मुर्गी, ऐसे ना, ऐसे अच्छी सी ली थी ना। हाँ जी, ऐसा वो देखो, सानू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। ये देखें जी, ढोलों ने उठा लिया थे, हाँ आओ, तो
जी हमारे साथ आज हमारे मेहमान, इनका तारुफ करा दूँ कि ये कहाँ से आए हैं और हमारे क्या लगते हैं। आज इनकी हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, खूब खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तो यह है मेरा बहन का बेटा, मेरा भांजा, आप इसको जानते भी होंगे, बहुत सही ब्लॉग इसका चैनल है जी, और साथ में उसका छोटा भाई। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आसन। मोहम्मद आसन है जी, ये भी भांजा है मेरा, अल्लाह का रास नाम तो मुझे आता है। और आज इनकी दावत का प्रोग्राम है जी, कैसा लगा आका जी? मामू जी बहुत अच्छा लगा, और तो मैं नहीं जानता, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जी? हमें भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आप अभी बैठे हैं, पानी शानी पिलाया है? बिल्कुल पानी पिला चला। अच्छा, उसके बाद जो है खाना तैयार हो रहा है, ये खाना तैयार होगा तो आप मेहमानों को देंगे, तो भी वो भी लाइव दिखाएंगे। मैंने जला दिया है और ऊपर जो है कढ़ाई भी रख दी, और ये जो है गोश्त ये भी धो डाला है, और आलू भी, साथ में टमाटर, सब्ज़ धनिया और पानी, ये वो दूसरे मिसाले हैं। और यहाँ पर जो है ये मैंने काट दिए हैं, सारी चीज़ें जो है हमने इकट्ठी कर ली हैं। अभी जो है हम बना रहे हैं मेहमानों के लिए ये डिश, यानी कि हमारा वो क्या कहते हैं सालन तैयार हो रहा है। तो फिर रोटी जो है वो अंधेरा होने लगा था, तो वो जो है मेरा बेटा चला गया है तंदूर पे रोटी लगवाने, वो आटा मैंने गूंद लिया था, तो फिर वो रोटी लगवाने गया है। मैंने यहाँ पर जो है सालन जो है रेडी कर लेना है, और साथ में ये देखे मेरा छोटा बेटा मेहरान, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये है आपका गिफ्ट? हाँ। खुद लेके आए हो? हाँ। माशाल्लाह, आप बेटा ऐसा करो ना, चलो बाहर जाओ अपनी खाला के पास। हाँ। वहाँ पर दमरी और मोली पड़ी होगी, वो उठा के ले आओ, तो यहाँ पर जो है थूम और अदरक जो है ये पीसेंगे, ठीक है? तो ये देखें कढ़ाई के अंदर जो है मैंने घी डाला था, और घी गर्म हो चुका था, फिर जो है इसमें हरी मिर्च, नहीं सब्ज मिर्च, और जो है लहसुन मैंने ये डाल दिए हैं, जिसको प्याज बोलते हैं, ये मैंने डाल दिया है। तो इसमें जो है लाल मिर्च वो भी डाल दिया है, और साथ में टमाटर काटे हुए टमाटर वो भी डाल दिए हैं। तो अभी ये जो है हमारा मसाला हो गया रेडी, ये देखें मसाले की जो है भुनाई हो चुकी है, और इसमें डालेंगे पहले ये आलू। आलू मैंने डाल दी हैं, तो थोड़ा सा इसको ना भुनाई इसकी करके फिर इसमें डालेंगे मुर्गी। हाँ माशाल्लाह जी, मुर्गी ये देखें, मैं ऐसे चक्कर लगाते ये लगाते कौन आ गया? आपको भूख तो नहीं लगी ना? नहीं भूख नहीं लगी। हाँ मिर्चियाँ हैं अंदर, हम बैठी हूँ ना कमरे के अंदर, ऐसे मैं घूम रहा था, मैं इधर आ गया, मैंने कहा मैं देख लूँगा अंदर क्या हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, अच्छी बात है आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, ये देखें आपके लिए ना खाना बना रही हूँ, कढ़ाई तैयार हो। हाँ जी, आज आलू वाली कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई तो कढ़ाई है, वैसे नाम है इसका बदनाम। ये इसका नाम जो है ना कढ़ाई का हमने बदनाम कर दिया है। तो हाँ डाल दिए कढ़ाई पर है, नहीं ये देखें मुर्गी भी साथ है ना। वैसे एक बात कर रहा हूँ, हाँ है तो कढ़ाई में पक रहे हैं ना, तो कढ़ाई। हाँ ये बात तो मैं आपको पहले बताई है ना, ये बदनाम हो चुकी है, इसके अंदर जो चीज पकाए तो कढ़ाई तो बनती है ना। ये ले जी अम्मी जी, बन गई रोटी? हाँ जी। ये देखें रोटी लगवा के आ गया तंदूर से, अच्छी पकाई है ना। हाँ जी। तो इसको खोल नीचे ना रखो, आपका रुमाला गंदा हो जाएगा, इसको खोल के हमें चेक करवाएं ये रोटियां कैसी बनाई उसने। दो रुमाल है, दोनों रुमाल बांध दिए? हाँ जी, एक गरम गरम हो गरम रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये देखिए रोटी, ये क्या कर दिया, तोड़ दी।
कुछ मोटी बना ली है, आपने बोला नहीं था? बोला था। चलो ठीक, तो ये जो है मैंने बोला था इसको पतली पतली रोटी लगवानी है तो मोटी कर दी है। वो असल में ऐसा है ना, जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, पतली लगाएं तो वो या तो जल जाती हैं या वो अकड़ जाती हैं। हाँ ऐसी तो बात भी, क्योंकि ये है सिर्फ अपनी गंदम है घर की। हाँ, ये देखें अभी भी सख्त है। हाँ, तो वो मैदे वाली जो होती है वो तो फूल जाती है ना। हाँ, वो मैं उसमें जो वो लगाते हैं ना ब्रीक रोटियाँ, हाँ वो फूल जाती है, उसमें मैदा शामिल होता है। ये तो है। हाँ इसमें भी मैंने मैदा डाला है 5 किलो, आपने मामू ने बोला है हमें तो ये रोटी, वो कहते हैं ना पहले खाते रहते थे मैदे वाली, तो फिर जब अपनी गंदम लेके आए तो फिर रोटी उसको नहीं वो करती थी। हाँ तो फिर 5 किलो मैंने मैदा डाला, फिर भी बोलता है कि ये इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो जब उधर तैयार होता है वो तो मैं काम करता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मैदा मिक्स होता है, काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं ना। हाँ उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है मैंने मुर्गी भी डाल दी है, चिकन। अब लोग बोलेंगे ये कैसी बातें कर रही है, इसमें जो है मैंने चिकन भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। हम अच्छे बल्ले जो है पहले व्लॉग बना रहे थे, अपनी रूटीन शेयर कर रहे थे और जो है बहुत अच्छे चैनल भी जा रहा था और व्यूअर फैन भाई भी बहुत खूब माशाल्लाह अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, बड़ी तरीके कर रहे थे। उसके बाद जब सब्बा और अहमद का झगड़ा हुआ, पहली वीडियो आई, दूसरी आई, तीसरी आई, पहली वीडियो पर हमारे साथ जब उनकी पहली वीडियो है तो हमारे कॉमेंट पे हमारे वीडियो पर कॉमेंट आने शुरू हो गए, वो ऐसी हो गई, वो वैसी हो गई, वो तो रो पड़ी, वो तो बर्बाद हो गई, आपको पता ही नहीं है, आपको खबर ही नहीं है, अपनी वीडियो बना रहे हैं। हम खाम खाम में बीच में इसलिए नहीं आना चाहते थे जैसा कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग भी किसी की गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी का कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई देखने वालों ने हमें कहा था कि इशू जो उनका है आप उसको हल करें, जब आप हम इशू पर आ गए हैं तो गालियां पड़ रही हैं, तो हम पहले ही हाथ खड़े किए होते, वो भाई उनका मसला है, वो ही जाने 2 दिन 4 दिन 8 दिन जितना उनका मसला चलेगा, वापस में कंप्रोमाइज़ करेंगे जैसे करेंगे। लेकिन हमारी वीडियो पे आके हमारे व्लॉग में आके कहने लगे जी आप जो है उसकी तवज्जो नहीं कर रहे हैं, उस तरह फ़ोन का झगड़ा हो गया है, आपको पता भी नहीं है, आप मज़े से वीडियो बना रहे हैं अपनी, ऐसा है वैसा है, तो बड़ा मेहरबानी ऐसा ना किया करें। तो मोहसिन से मेरे साथ बैठा है इसे पूछने की हकीकत क्या है। हाँ भाई हकीकत क्या है उनका, जो ये फेक ड्रामा है या असल में ये झगड़ा चल रहा है, आप बताए कुछ? मुझे तो सुनने में आया था कि झगड़ा चल रहा है, असल में ऐसा ही है, ऐसा सुनने में आया था कि झगड़ा चल रहा है। उसके बावजूद अभी प्यारे कुछ प्यारे बहन भाई ऐसा भी बोलते हैं, मैंने भी कल वीडियो लगाई थी, मैं उसमें भी मैं यही बोला था, आज वीडियो लगाई थी 12 बजे, वो उसमें भी मैंने यही बोला है कि जो लोग इस चीज़ में शामिल नहीं है, जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, आप उनको तो मत गालियाँ दें, बुरा भला उनको तो मत कहें ना, वो घर का उनका पर्सनल मामला है, वो मिल बैठ के सुलझाएंगे, आखिर ऐसे थोड़ी छोड़ देना है कि सामने कह देना है कि जाओ भी ये हो गया वो हो गया, ऐसे तो कोई नहीं करता ना, मिल बैठ कर जो होगा मैं बोल रहे हैं मसला सुलझ जाएगा। इसलिए इस मसले में आके पड़े हैं कि ये ऑडियंस हमें कह रहे हैं कि आप इस मसले में पड़े हैं। हाँ। और जो है उनके साथ जाके अड़े हैं, वो तो ऐसी हो गई, वो तो वैसी हो गई, उसको छोड़ के चला गया, वो रो रही है, वो मर रही है, यूँ हो रहा है, फलां हो रहा है, आपको पता भी नहीं है, आप उसका जो है मसला हल नहीं करते उसको। भाई आज का दौर देखें, आज ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ठीक है जी। तो जो सिलसिला चल रहा है, जैसे जैसे जा रहा है उनका झगड़ा, जैसे जैसे सीन आ रहे हैं, हम उसी तरह आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो हमें गालियां तो ना देना, मेहरबानी करें, फिर हमारे व्लॉग इंजॉय करें, फिर अगर हम आपके कहने पे उधर चले गए उस मसले को उठा लिया तो फिर बर्दाश्त करते रहें, जितने महीने चले, जितने साल चले, जितने दिन चले, आज ख़त्म हो जाए कल ख़त्म हो जाए, फिर बर्दाश्त करें, देखें फिर, तो हमारी भी दिल आज़ारी ना करें ना, ऑडियंस ने ही इन्वॉल्व किया था, ऑडियंस कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि आपने ही कमेंट में बोला था कि वो ऐसा हो गया, आप वो हल नहीं कर रहे, जो जब हम
उनके तरफदारी या उनके साथ जाए, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका सब कुछ दिखा रहे हैं भी क्या हो गया क्या नहीं हो गया, फिर भी आप गालियां दे रहे हैं, ड्रामा है। पहले आप कह रहे थे कि वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब कह रहे हैं ड्रामा है, ये बात समझ नहीं आती। तो ये ड्रामा है या हकीकत है, इसका दी एंड होना है। दी एंड होने तक आपने फिर बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमने डेली जो है ये इशू पे इशू पे बात करनी है। अच्छी बात है, सुनने में आ रहा है, हमें पता नहीं है, मेहमानों में थे, अपना घर में ही बैठे थे, गर्मी बहुत थी, तो आज पता चला है कि बेबी बेबो को जो है चोरी से उठवाया, पर मैं कैसे उसको बेबो को खा कर उठवाया है, तो वो बेबो को मिल के ना भाग गया है, ठीक है ना। तो उन्हें पता नहीं चला, आज बेबो को बेबो तक आ गया है, कल तक अपनी बीवी तक भी आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। सुना है बेबो को जो है वो चोरी मिल के भाग गया है, और हमारे पता नहीं चला। आज तो बच गया है, अगली बार इंशाल्लाह देखने नहीं जाने देंगे।